हेलो। अमन, आपको आवाज आ रही है मेरी? सर, हाँ जी, हाँ जी, कौन बोल रहे? अक्षय बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैसेज किया था एंड आस्क यू टू जस्ट टॉक टू यू वन। यू आर कॉलिंग फ्रॉम इंडिया? सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम इंडिया, दिल्ली। ओके ओके, जस्ट होल्ड ऑन सिमो बेटा, या प्लीज प्लीज जस्ट होल्ड ऑन सर। प्लीज। सिमो, मैं बेटा बाज कॉल करता हूँ। और सब ठीक ठाक है? ठीक है, अपना कॉलेज जाइए, महाराज मेर करे चढ़ती कलश प्यार ना जाइए, और बढ़िया पढ़ी मेरे हाँ को। जी, हाँ जी, फिर ठीक है मैं बेटा, थोड़ा हाँ जी, बाद के कॉल करांगे। ठीक है जी, हाँ कोई मेरे गल वो नहीं, अपना जो क्लास आज मैं होगी। सारा दिन ड्राइव से ही है, जो मर्जी कॉल कर लूँ। ठीक है, तो ठीक मिस है, कॉल ठीक करती हूँ रहो। क्योंकि मैं यूएसए चाहूँ, फिर तेन कॉल पड़ेगी लॉन्ग डिस्टेंस, मैं कॉल करांगा। ठीक है, ठीक ठीक है, है, ओके बेटा, बाय। ओके ओके बेटा, गुड ब्लेस यू, बाय ओके, बाय। बाय। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, एक्चुअली मेरा भतीजा था लाइन पे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नो 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 नो, देयर इज नथिंग नथिंग टू से। आई एम सॉरी अबाउट इवन दोस दैट आई जस्ट हैव टू से थैंक्स टू यू दैट सेंडिंग अ कॉल इवन। नो, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, इट इज रियली, आई मीन, अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी टू बी टॉकिंग टू यू ऑन द फोन। हर्ड यू सो मेनी टाइम्स ऑन YouTube, दिस टाइम दैट आई एम टॉकिंग टू यू नो, लाइव। इट्स फाइन, आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, यू नो। सो पीपल, दोज हु कम हियर, दे प्रटेंड लाइक दैट दे डोंट हैव टाइम, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू ऑलवेज हैव टाइम, बिकॉज इफ यू कैन स्पेयर सम टाइम फॉर योर फैमिली, देन वाई यू कैंट स्पेयर फॉर अदर्स? No, I just realized this thing, whatever you are doing, this is not at all a current ordinary work. I think this is really a very special and a noble job that you are doing it. Yeah, thank you so much. Go, go, thank you. Thank you. Especially for the dreamers. जी 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 आपके बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे हैं एंड आई फील लाइक टॉकिंग टू यू जी, अगर मैं आपसे बात करूं थोड़ा सा इस बारे में एक बार हल्का फुल्का। जी जी एक्चुअली मेरा नाम अक्षय है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हम लोगों का यहाँ पर अच्छा सेटलमेंट है, हम लोग काम वगैरह करते हैं, सारा कुछ है। बट ड्यू टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द न्यू रूल्स बाय द गवर्नमेंट, बिजनेस कंडीशंस आर गोइंग टू बी वर्क वेरी बैडली। तो एजुकेशन लेवल के ऊपर अगर हम लोग जाकर के देखते हैं रंधावा जी, तो टू बी वेरी जेन्युइन दैट वी आर नॉट हैविंग एनी क्वालिफिकेशन, लाइक कोई ऐसी स्पेशल डिग्री या स्पेशल एजुकेशन नहीं है, बिलोंग टू अ बिजनेस क्लास फैमिली। तो एक स्पेसिफिक हमारी एक एजुकेशन रहती है जिससे हम लोग बिलोंग करते हैं। जी जी तो उसके कंसर्न में दैट आई वुड लाइक टू, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले लोगों से कंसल्ट किया, बात करी, सब कुछ किया। तो आई मीन सम ऑफ द पीपल आर सैड टू जस्ट ट्रकिंग इन कैनेडा और एल्स इन ऑस्ट्रेलिया। नो, दैट इज वर्स्ट ऑप्शन। ओके, सो आई वाज जस्ट कंफ्यूज अबाउट दिस थिंग, इफ वी आर गोइंग टू वाइंड अप एनीथिंग हियर इन दिल्ली और मे बी इन इंडिया एंड ट्राई टू कम देयर इन कनाडा, सो इज दिस रियली अ वर्थ वाइल, ये वर्थ है इसका आने का? और वहां पर हम लोगों को ये इमेजिन करने का कि हम लोग, जी जी आप बताएं। देयर आर सम फैक्टर्स बिहाइंड इट, यू नो। If somebody is planning to move to Canada, then he should be very strong indeed. Because if you are trying to wind up, don't do that, one thing. Second thing, what I have seen here, since I'm here, so only those people, those who came here due to their worst situation at home, because they don't get a job and maybe they are unemployed. Unemployed guys and those who are frustrated, they are much more settled than those guys, those were very, you know, financially strong in India, right? So, yeah, really. Okay. Yeah, it's true, you know, it's a fact. Okay. Yeah, because I have seen so many people, those who come as a permanent resident from India, but they don't survive here. So the reason behind, because they have a safe passage. Yeah, and the reason behind, because they have a safe passage, whenever there is some snow, जैसे नो नो यहाँ तो बहुत स्नो पड़ती है, चलो वापस। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी हो गया, एनीथिंग हैपेंस, नो नो नो, लेट्स गो इंडिया। सो वंस समबडी कम ऑन अ वर्क परमिट, ओके, सो ही स्पेंड 10, 20, 30, 40,000 डॉलर टू डिफरेंट एजेंट्स, यू नो। सो ही इज वेरी डेडिकेटेड टू हिज सर्विसेज, सो हिज मेन मोटिव दैट आई कैम हियर एज अ work permit holder, so after 1 year, 1.5 year, I will try to apply for my initial PR, means PNP. So once I apply for PNP, then after
another 1.5 year or 2 year I will get my PR. So these guys, they stay here, in every climate, in every environment, and they merge in the system. So they are, so what I see here, those guys, those who come here as a work permit holder, they survive much better than those who come here as a PR. Okay. Yeah. So do not wind up anything. And second thing, everything depends on your qualification and your overseas experience. And if you don't have any overseas experience and your qualification is not much, you don't have any higher qualification like... No, actually I belong to background. I just do the B.Com and having a good knowledge of accounts also. But the basic thing is that that is not a specific skilled work which I had done. Correct. PR or other work. Correct. Because you have done B.Com, normally you have done, because if the guys have done on B.Com, then, and he have some own business, so definitely he is now a bit skilled about accounting, but at the end of the day, that accounting is not professional accounting, right? So... we have no degrees for that and we are not doing anything. That is for your personal use. Actually means you are using your B.Com as your in your business. That's what you are doing right now. So I don't think that will help you out. And but still you need to check with any agent whether you can apply for express entry program, because for you I do not suggest you that you go to any Gulf country and gain a heavy duty license from there, because you are from a business class family, and once you go there, you know, in Delhi there is a 48 or 49 temperature in July, and that temperature is every day in Gulf. So you can't survive there, right? Right. So that's the matter. Or if I say to any Punjabi guy, okay bhai ji jao te apna othe license lo, he can do it easily, right? So this is a basic difference. Because business class people or people from a sound financial background, they always have difficulties in difficult areas. But people, those who are from poor background, they do not think of any difficulty. They say, okay, paaji, jana hai toh jana hai, that's it. That's why I always say that Punjabi people are always, they are successful because they do not fear of anything. Jahan jana hai, kithe jana hai, they are doing each and everything. They fuck don't care, you know, where they are going. So that's why they are successful. Yeah, I can understand. Yeah, and right now age factor also matters. After the age of 30 to 35 or 40, you know, you feel like you don't want to. You always try to stay in your bubble. You do not want to. See, I am already 37. 37. That's why I say, because 37 tak jo khoon hai na wo thanda hona shuru ho jata hai, and nobody want to jump in a new profession. I can understand, but the basic thing is that if you have a zeal to do something, and if you just want to do, by the dedication, no, as I look good. At in your profile or YouTube or videos, No. Those videos are different kind of videos because there is no lust behind that. There is nothing that I'm looking for some money from someone and or I'm playing a game for someone. No. That's only you are watching all those videos because I love to help people and this is the only hobby I have, right? So that's why those videos that's are different people videos. There's a tons of agents, those who always try to be in touch with me, but I block each and everyone whoever contact me until today. So that's what I just make a message first and just ask you to call. If you are free, then I call you. Yeah, actually, just when you start talking, just 30 or 40 minutes before I enter into USA, and now whole day I need to drive almost 1100 miles kilometers. I need to drive, so full day I'm free, and whole day people will call me, and I'm just answering. So, yeah, Gurbani mein kehte hain ki haath pair se kaam kar chit nahin janna, also means ki I'm on the job, you know. Abhi main kaam bhi kar raha hun aur seva bhi kar raha hun. So, no, dono saath mein chalte rehte hain, theek hai na? Oh,
चांसाला जी, मुझे ना दो तीन क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि मेरे को आपसे पूछने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्चुअली आई हैड सो मेनी पीपल दैट जो मैंने लोगों से पता किया, यूके में पता किया है और ऑस्ट्रेलिया पता किया है, इवन दो गल्फ में भी मेरे कुछ है उनसे पता किया है. अनफॉर्चुनेटली कनाडा के अंदर यू आर द फर्स्ट वन हूम आई एम आस्किंग दिस थिंग स्पेशली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फील्ड विच आई वॉन्ट टू एंटर. तो मुझे एक बार ये पता करना है कि एक एंट्री लेवल के लिए अगर हम लोग वहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करते हैं, जैसे हम लोग अगर हमने अगर एंट्री लेवल पे वहाँ पे किया तो उसका जो हमारा जो एक क्लास का लाइसेंस है उसको टाइम पीरियड कितना लगता है और उसके प्रोसीजर क्या होता है? नो, इफ दे एक्सेप्ट योर डॉक्यूमेंटेशन, इफ दे एक्सेप्ट योर क्वालिफिकेशन फॉर द क्लास वन लाइसेंस एंड देन इफ यू आर दे फाइंड द एलिजिबिलिटीज इन यू, देन यू विल यू कैन गेट Canadian license within 20 to 25 days. Oh my God! For the A class license. Class A license, but you need to be, you need to eligible for all those settings, you know. Okay. Yeah. Fine. So it depends. Actually, yeah. Aap batayen. Just hold on, please. I'm in the traffic. Please. Yeah, so actually I was saying that it all depends on your qualification. Once they accept your document that yeah, you have a heavy duty license and we accept your license and your experience, and then they let you sit for the test, then it's fine, then there shouldn't be any problem. Then you can get your license within 20 to 25 days. But the whole thing, the whole scenario is you must be eligible for that test. Because in most of reason, people, those who come from India and different states have different policies, and different policies, according to different policies, they do not allow you for sit for the test for class one. That's a problem exactly. Actually, a few days back, a couple of months back, I just applied for this numbering system, whatever you people are having in Canada, to enter there for immigration. So I just got some numbers which is related to 415 or 16 numbers, which is allow me to enter as an TNP entry there. Okay. Listen. If you are eligible for the PNP entry, then you should go for that. Okay. And your I was little worried about PR and TNP. So both are different or whatever it is. I just concerned. No. What is the difference between PNP PR and thing? Listen. What is the basic difference between PR and PNP? The PNP is the initial stage of PR. Okay. Yeah, PNP is the initial stage of PR. So once you get your PNP, then you get PR. But if, while you are applying for Express Entry Program, then it means you are coming a direct PR from India. Yes, I just applied for even. I just applied, already applied it. So if you already applied, then you get the results? It will take some time. I just, I'm trying for IELTS and all other things. No. Sometime maybe in a month or a few. You say you already applied or you are going to apply? I applied. Okay. But how you apply without IELTS? It's not possible to apply without IELTS. No. I applied, means I just hired some people that who is having a company here, or you can. But that company didn't tell you that you need an IELTS before? Yeah, they said it. They are giving but for that even. But you're telling me that you haven't done IELTS yet? I'm just doing it. They have already applied for you. Not exactly. The pieces are not changed, but there's a basic. I mean, a few steps taken in the instead of in this favor that we started doing the process from 15 to 20 days back. No, but I don't think that you are going in the right direction, because first of all, you must have to. Do your IELTS first. Okay. First thing. Second thing, if you want to apply for a permanent residency, means if you are going to apply for a, what's the category? Express Entry Program.
it will be good that if you hire an agent who can find a job for you here. Okay, means if you have a employer, I will let you know though. If you have an employer here, then you have higher chances for access entry. No, I don't have any Brahmin relation or maybe that person. No. For that, you do not need any relation. You need to hire an agent who will find a employer, suitable employer for you. Once he find a suitable employer for you, he will arrange a employment letter. Once you get employment letter, okay. then you will get higher chances to be a successful candidate. Actually, I will let you know the whole thing, in a very short. Actually, a few days back or a few couple of months back, I just decided to just go there. So, when I decided this thing in my mind, I start finding someone or some agent who is relevant or maybe having a trust level out there, right? So, I just find some people here named by the Y Access Agency Private Limited, which is the name of the agent. Mm-hmm. It's in Delhi? We went there, he said it. Even Delhi, Ahmedabad, even in Hyderabad, different states, they have their branch in different states, even though in different countries also. Okay, fine. So I just asked him to get and start discussing with them that what to do, I just want to go or something. I told them that I want to do a trucker or something like that or something, whatever it is. Hmm. So they called me and they just want my documentation, like studies documentation, other documentation, whatever they want to be, which I provide them. On the basis of these documents, they do some internal process which can calculate our points that we are eligible or not. Even first of all, that's the basic matter. Mm-hmm. So what they said is that your people are eligible to go there, right? Mm-hmm. Your number is sufficient, but not on applying on the PR, that you will apply PNP. PNP, what they said is PNP is the thing where you must be going some specific province. Okay. Not to the Canadian whole province. Okay, means they are not telling you for the federal PR. They are going to apply for you to PNP program, province nominee PNP. Program. Yeah, correct. So PNP, as I told you, PNP is the initial stage of PR. So once you, PNP means state is going to give you PR. So PNP is basically state PR. So once you get a PR in state, then state will sponsor you to the federal government that give him a PR for the federal. Right. So wherever you want to go, later you can go. Right. Hmm. Then when I just give my papers to them, what they said is, when I just disclose my interest, keen interest in trucking, they said it is better if you are not going for trucking and you apply for something else. So they said it ki aap mere ko apna profile bataiye ki aap kar kya rahe hain. Maine unko apna profile diya, apni company ka, apne business ka maine unko profile diya. Then they created some financial controller administrative manager karke unhone koi ek aisi ek job code nikala uske liye. Okay. तो वो जॉब कोड उन्होंने उसके हिसाब से ढूंढ करके उन्होंने मुझे दिया कि आपको इस जॉब कोड के अंदर आपको पीएनपी मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. बट दे आर नॉट गिविंग अ श्योरिटी कि भैया जाओगे ऐसा नहीं है. नो, इफ यू सेइंग कि पीएनपी मिल जाएगी, इसका मतलब जाओगे ही ना. पीएनपी होगी तो फिर जाओगे ना. नहीं, पीएनपी जाएंगे वो अपनी तरफ से. क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंटेशन लिया, उन्होंने अप्लाई कर दिया, सारा कुछ कर दिया. अगर कोई भी चीज की ऐसी चीज है कि उन्होंने मेरी फाइल डालेंगे किसी पूल में, वट एवर ही सेड इट, मतलब पीएनपी में जा सकता है, आपकी फाइल हम लोग पूल में डाल देंगे. Okay. उस पूल में से आपकी फाइल कैसे पिक होती है, कितने टाइम में पिक होती है, दैट दे डोंट नो. मतलब उसकी किसी बात की श्योरिटी नहीं है कि मतलब श्योरिटी दे देंगे कि आपकी फाइल पिक हो जाएगी या नहीं होगी. मतलब दे डोंट वॉन्ट टू टेक द थिंग्स ऑन देयर हेड, दे वॉन्ट टू बी फ्री फ्रॉम दैट. तो मैंने उनसे बात पूछी कि अगर इसको अगर ऐसा नहीं होगा तो व्हाई नॉट वी अप्लाई फॉर ट्रकिंग ओनली. बट आई डोंट नो ऑप्शन के अंदर अगर आप नहीं, उसमें प्रॉब्लम है बिकॉज मोस्ट ऑफ इंडियन कैनेडियन एम्प्लॉयर्स दे डू नॉट हायर कैनेडियन ड्राइवर, इंडियन ड्राइवर डायरेक्टली बिकॉज दे डोंट थिंक दैट दे आर सो स्किलफुल. ओके. Yeah, because in India, you know, fine. You pay money and you get license, but when you are working in some Gulf country, you spend hundreds and millions of rupees, and then you
study for a couple of months, and means getting a UAE license is the toughest one, you know. Yeah, I know very well. That's why, they rely on UAE license mostly. Right. Even I just got some commercial license a few days back in India, and I'm just little shocked. कि पहले क्या होता था कि आपने पैसा दिया आपका मिल जाता था आई नो नाउ इट्स सिस्टमैटिकली के अंदर नहीं हो रहा है आई नो दैट इट्स सिस्टमैटिकली एंड वी हैव टू गेट देयर एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ एंड स्लोली सिस्टम इज इंप्रूविंग राइट या आई डोंट नो ओके राइट या एजुकेशन होना चाहिए लेवल होना चाहिए आपकी उतना आपको 15 दिन 20 दिन जो भी एक आपकी कोचिंग मिल जाए वहां पे आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बिल्कुल अच्छी बात है बहुत बढ़िया एंड देन तब आप जा करके शायद वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू अप्लाई सर यस 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 करेक्ट सो यू थिंक बाबा जी इज इट राइट वे कि मतलब मैं उसके लिए करूँ अप्लाई जॉब के लिए वहाँ पे और वहाँ पर आकर के वो कहते हैं जब आप वहाँ पहुँच गए इट्स योर इंटरेस्ट कि आपने ट्रकिंग करनी है या आपने वो जॉब करनी है या आपने जो भी करना है वो आपके ऊपर है ओके ओके उसमें मैं आपको मेरा यही सजेशन है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बहुत प्रोफेशंस में आते हैं लेकिन सबका जो एंड है ना वो ट्रकिंग में ही होता है सो व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रकिंग ठीक है थोड़े दिन पहले जस्ट मेरी खुद की कंपनी में 7-8 ट्रक खड़े हैं पौने 2-2 करोड़ का ट्रक है और ड्राइवर नहीं मिल रहे ओह माय गॉड हाँ जी हाँ जी यहाँ पे ईच एंड एवरी ट्रक यू नो देयर इज वन पर्टिकुलर स्टिकर बिहाइंड देयर वी नीड ड्राइवर I don't think that there is any truck in America or Canada which don't have that sticker. Okay. So, okay. Drivers are always in demand and they are getting the highest salary in, means whatever we are doing and new guys, those who come from India or from other countries, you know, whatever they are doing, but bulk of the guys, they end in trucking. They end in trucking because the money is in trucking only. So why don't we start from trucking then? Why we are going this way and that way then end in the same direction? Okay. Yeah. Even a couple of days, you know, one guy, he was an MD doctor, he have done his medical studies from Russia and now he's an MD doctor in India. He sent me a message that he want to be a trucker in Canada. Oh my God. Yeah, really? Great. ये हालत है हाँ जी तो मैंने बोला यार ठीक है अच्छा कि ड्राइवर डॉक्टर बनने के चक्कर में हमने लाखों करोड़ों नहीं लगाए सीधा ड्राइवर ही बनना है तो भैया इतना लाख रुपए खराब करोड़ों खराब करके क्यों बनना है ड्राइवर लेकिन इट्स नॉट दैट इजी टू बी अ ड्राइवर आई एम टेलिंग यू आपको आधे बंदे को आधा रोबोट बनना पड़ता है इतना दुनिया भर के इतने हमारे गैजेट्स हैं हमारे पास जो सारा दिन हमें ऑपरेट करने होते हैं और फिर GPS है गाड़ी भी सारा आधा तो कंप्यूटर ही है गाड़ी में आधा क्या सारे कंप्यूटर है और फिर मैं आपको ना एक छोटा सा इसके बारे में हमें ना आई एम जस्ट टेलिंग यू द थिंग्स अबाउट दिस थिंग ये सब चीजें ना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है जो मुझे लगता है वो क्या है पहला ये कि आपकी एग्जैक्ट कंडीशन क्या है और आपकी एग्जैक्ट कीननेस क्या है अगर आपके अंदर कीननेस करने का जज्बा है तो दैट यू कैन डू इट क्योंकि मेरा कंसर्न आपको वेरी फ्रेंकली आई एम टेकिंग यू क्योंकि आप मुझे बहुत जेन्युइन लगते हैं जिस हिसाब से मुझे बात करके भी और आपकी वीडियोस देख करके भी लगा तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ज्यादा वहां पर आकर के आई डोंट वांट टू डू वर्क लाइक फॉर सेवरल इयर्स मुझे 5-7 साल काम करके आई वांट टू बी फ्री बस उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना नहीं बट ऐसा नहीं है यहाँ की आप आओगे और 5-7 साल काम करने के बाद आराम से बैठ जाओगे यू नीड टू वर्क हियर टिल योर लास्ट ब्रेथ ठीक है जी यहाँ पे मरने तक काम करना होता है No, don't think like that. Then please don't come. Because of that's what I'm telling you. Because a person from his, those they have their own business right now and those who are in their family business, I'm telling you, they always in crisis just because of this attitude, whatever you just told me right now. Ki main itna kaam karke aa jaunga. Nobody can go back. और इफ समबडी हैव इंटेंशंस कि मैं थोड़ा काम करके वापस आ जाऊंगा ही कैन नॉट अर्न इवन अ सिंगल सेंट नहीं कर पाएगा कुछ नहीं कर सकते यू कैन अर्न एंड स्पेंड अ गुड लाइफ ओनली इन वन कंडीशन इफ यू आर गोइंग टू शट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम इंडिया एंड इफ यू वांट टू बिकम अ परमानेंट नॉट एज अ कार्ड होल्डर दैट आई एम अ परमानेंट रेजिडेंट नो यू मस्ट बी हियर फॉर फुल टाइम
ओनली इन दैट कंडीशन यू कैन सर्वाइव हियर एंड सेटल डाउन. अगर आप सोचते हो कि दो चार पांच साल काम करके मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ना आपको इंडिया का सिस्टम आपको रास आएगा, ना यहाँ पे, यू आर नो वेयर, यू आर हैंगिंग इन बिटवीन. Oh my God, okay. Yeah, so ये तो अपने दिमाग में से निकाल दो, ये तो आप भूल जाइए कि अब मैं यहाँ से दो चार साल पांच काम साल काम करके निकल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ आ गए तो फिर आ गए. आप कामयाबी यहाँ पे तभी हो जब आप सारा वहाँ मतलब क्या कहते हैं कि ताला लगा के चाबी दरिया में फेंकाओगे तभी कामयाब हो. अगर आप सोचोगे दो चार साल पांच साल लगा के और मैं बस यहाँ के कनाडा के मजे लेके वापस चला जाऊंगा, नो, यू आर नो वेयर, आई एम टेलिंग यू. ठीक है, यू विल बी अ बिग फेलियर. ना आप वहाँ सेटल हो गए होंगे, बहुत हैं, एक आधा नहीं है, मेरे पास सैकड़ों ऐसे एग्जांपल हैं कि लोग आते हैं, यूरोप से आते हैं, यूरोप से आते हैं, आए जी कोई स्पेन से आया, कोई पुर्तगाल से आया, आए जी, नहीं 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 हमारा तो साढ़े सा दिल नहीं लग गया जी, ऐसा उतों आए जी उतें जाना है वापस. चलो जी वहाँ गए, अब वहाँ जाने का पता लग रहा है कि यहाँ पीआर नहीं हो रही है, बच्चों की पीआर नहीं हो रही, फिर वापस आ गए. अब यहाँ आए तो बच्चे बोलते हैं कि नहीं हम तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज जानते थे, यहाँ हमें इंग्लिश बोलने में परेशानी है, पंजाबी उनको भूल भाल गई है, तो फिर वो कहते चलो वापस. ऐसे ऐसे लोग हैं जो तीन तीन बार गए, तीन तीन बार वापस आए, ठीक है ना. सो देयर इज नॉट, या बहुत लोग हैं, बहुत लोग इंडिया से, मोस्टली जो पीआर आते हैं वो तो कभी, बहुत बहुत कम पीआर हैं जो यहाँ पे बिल्कुल आते ही एकदम बढ़िया सेटल हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा स्नो पड़ती है, इतने ठंड बड़ी पैंती जी, इतने स्नो बड़ी पैंती, चलो इंडिया चलिए. और भाई चलो इंडिया चलिए, इतने छोले लेना हो, ठीक है ना. जे कनेडा आना है तो फिर कनेडा रहना है. हाँ, जे कनेडा से जे मतलब बैज तुहानू कार्ड चाहिए, कनेडा का पी आर चाहिए, तो फिर कनेडा चलो ना. फिर इंडिया कनेडा दोनों पास लत्तां फसाण का कोई मतलब नहीं है. बिकॉज यू नो यू नीड टू बाय अ हाउस विच कॉस्ट यू मिलियन डॉलर, ठीक है. देन यू नीड टू बाय अ ट्रक दैट विल कॉस्ट यू टू ऑलमोस्ट 200K, समझे ना. $2,00,000 का ट्रक लोगे, $2,50,000 और $1,000,000 का घर लोगे, $12,00,000 भैया वो कमाने भी तो हैं, किसने पे करने हैं, यू नीड टू पे ऑफ दैट, राइट. सो हाउ यू कैन पे ऑफ दैट मच मनी इन 4 or 5 years, बिकॉज व्हेन यू विल कम हियर ऑन एज ए पी एन ऑन इन अ पीएनपी प्रोग्राम एंड यू आर अ ड्राइवर, यू आर नॉट गोइंग टू यू विल अर्न अराउंड एवरेज ऑफ $4,000, ठीक है. 3,000 to 4,000, $4,500 के बीच में रहोगे, देन वो $3,000-4,000 में व्हाट विल यू डू. नहीं, और इसका क्या एंट्री लेवल और उसके बाद क्या सैलरी पेमेंट पैकेज कैसा होता है. जैसे कि मैं आपसे एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर आप मुझे कुछ हमें बता रहे थे, जहाँ पर आपने मुझे बताया कि स्टार्टिंग एंट्री लेवल समवेयर अराउंड 3,200 to 3,300 के आसपास है. और दैट वीडियो इज ऑलमोस्ट 2 years ओल्ड, one thing. Second thing, okay, nowadays because of ELD mandate, because of electronic logbooks, the salaries, you can say, because there is no salary in Canada or and USA, as many miles as 1,000 miles you drive in Canada or America, they pay you according to miles, that how many 1,000 miles you drive in the month, whole month, okay. So they calculate by that. Okay. So there is no basic salary actually. So what the thing is, the whole scenario is, if you are coming here, then you need to know that I'm not going to India back for forever or this and that for such and such reason, you know. Yeah, you can go there for just for vacation, 10 days, 20 days, 1 month, 2 months, okay, then you need to come back. Otherwise, you are nowhere, as I told you. ठीक है ना, वो आप ना वहाँ के रहोगे ना यहाँ के रहोगे. सो अगर आना है तो फिर ये समझ के आ जाओ कि मैंने वहीं रहना है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम से हम फेड अप होके आते हैं, और यहाँ का सिस्टम यूनिक है, बच्चों की स्टडी यूनिक है, शांति है, साफ सफाई है. आप मैं 1.5 साल पहले शूज पॉलिश करके लाया था, दोबारा पॉलिश करने की जरूरत नहीं पड़ी. गाँव में मेरे को लेदर शूज वो पहनने की वो आदत है काउबॉयज की तरह, तो शूज पॉलिश करके मतलब आप सुबह निकल जाओ और दोपहर को वापस आ जाओ तो शूज क्या पूरे कपड़े पूरे पहने लायक नहीं रहते, आपको तो पता है. यू नो मच बेटर, बिकॉज दिल्ली इज द मोस्ट वर्स्ट एंड वर्स्ट पोल्यूटेड सिटी, राइट. सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, साफ सुथरी है और बहुत बढ़िया जगह है, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई रेसिज्म, नथिंग एट ऑल, ठीक है. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही पे आके प्रॉब्लम है एक टिपिकल पंजाबी में, और एक फैमिली ओन बिजनेस जो टिपिकल माइंडसेट है उसमें दिस इज द प्रॉब्लम, यू नो.
इसमें जो बाजी है ना वो लोग मार जाते हैं जो बिल्कुल पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको उनको पता है कि क्या है, क्योंकि जिंदगी में जी जिंदगी में दो काम, जिंदगी चलती है दो दो तरीकों से, ठीक है। एक आपकी मजबूरी होती है तो आप टिक के काम करते हो, आपको कम मिलते हैं ज्यादा मिलते हैं इट डजंट मैटर टू यू, आपको ये सर्वाइविंग आपकी सर्वाइव आपके लिए ज्यादा मैटर होता है, ठीक है ना। सो वो लोग कामयाब होते हैं बिकॉज उनको पता है कि मैं किसी तरीके भी गल्फ में चला जाऊं, मैं रह लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लाइसेंस बना लूंगा, दे स्टे देयर, दे डू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, और फिर वो धीरे धीरे लाइसेंस बनाते हैं, दो चार पांच साल वहाँ के 48-49 डिग्री की गर्मी भी खाते हैं, और फिर धीरे 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 दे गेन देयर एक्सपीरियंस एंड सो ऑन सो अदर डिफरेंट थिंग्स लाइक एक्सपीरियंस लेटर, सैलरी स्लिप, दिस दैट दिस दैट, एट द एंड ऑफ द डे दे आर मच बेटर देन अ पर्सन हु इज देयर ऑन ऑन बिजनेस एंड हु जस्ट वॉन्ट टू कम हियर फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, नो बिग नो, राइट राइट या। So if you are planning, you need to do two things. One thing, you need to hire an agent who can find a suitable employer for you. Only in that condition you will have higher chances. And and second thing, what I would like to suggest you that do not end in trucking. Start with trucking. Okay. Ji. Boliye. Fine. तो आपके हिसाब से एक एंट्री लेवल जो एक एंट्री लेवल ड्राइवर है, जैसे कि सपोज आई कम देयर एंड आई जस्ट गॉट माय लाइसेंस, अगर मैं कुछ टाइम लगा के लाइसेंस लेता हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, इट डजंट मैटर इफ आफ्टर बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ ट्रेलर ऑन द स्पॉट, ओके जी आपका आपके पास ट्रेलर का लाइसेंस है ये लीजिए ट्रेलर ले जाइए, दे विल सेंड यू इन टीम फॉर कपल ऑफ मंथ, ओके सो दे विल सेंड यू विद अ टीम where you will be a co-driver and mm-hmm. the main driver, he will teach you each and everything for 1 month or 2 months for four trips or 8 trips like that, okay. So once the company find you that yeah now you can drive your own, then they will send you, they are not going to send you okay yaar kyunki pone do crore ka trial hai, wo aapko dekh ke aise nahi bolenge ki haan ji aao pandit ji le jao ji, no ghar ka raat bhi hai, haan ji very true. तो उसके अंदर आते हैं और हम आपको बैठ करके हम लोग ऐसे कुछ सीख रहे होते हैं कि तुमसे तो एट दैट टाइम व्हाट इज द सैलरी और रेम्यूनरेशन पार्ट इज, मतलब क्या होता है उसका उस समय। देखिए अरब में और कनाडा में देयर इज अ बेसिक डिफरेंसेस, अरब में मोस्टली वी वर्क फॉर कंपनीज एंड कंपनीज प्रोवाइड अकोमोडेशन एंड फूडिंग प्लस टिकट प्लस योर ट्रेवल एक्सपेंसिस दिस एंड दैट, सो दे पे मोस्ट ऑफ द पर्क, यू नो आपका रहने का, खाने का, काम पे जाने का, काम पे आने का, और इंडिया 2 साल के बाद जाने के टिकट, वो दे गिव यू ईच एंड एवरीथिंग ओके फॉर योर सर्विसेज, बट इन कैनेडा व्हाइल यू आर ऑन वर्क परमिट यू नीड टू स्पेंड ईच एंड एवरी पेनी फॉर योर ओन, ओके सो मींस इफ यू आर गोइंग टू मेक योर लाइसेंस देन यू नीड टू पे योर ओन, you need to pay for your accommodation, you need to pay for your car, for your insurance, for your rent, for your grocery, each and everything you need to pay. So in starting you will earn between almost an average of 3000 to 3500 and almost $1500 you will spend your own, because you need to spend for all those things just I count right now, right? So means $2000 I can save, if maximum side for that $2000 I can save, $1500 yani baki wo aapki ichcha na, sham ko aapne pack bhi lagana hai aur club mein bhi jana hai to fir ghar se mangwa ke aur mangwane padenge, nahi I don't have that kind of then it's fine because yeah it all depends on you that how you manage your budget, lifestyle depend karta hai, yes correct राइट लाइफ स्टाइल के ऊपर बहुत चीज मेंशन करते हैं, बिल्कुल फैमिली तो से सर ये जब अकेले में ट्रक देते हैं या ट्रेलर देते हैं तो उस समय क्या जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने व्हाट एवर इट, तो जब इंडिविजुअल देते हैं नो आई गॉट योर क्वेश्चन एक्चुअली बिकॉज दीज आर द वेरी फैमिली क्वेश्चन, आई these are the question mostly asked, always reply. I reply almost thousands of times. One, when you are going to start with them, with any company, once you gain your license and you join any company or you start as a co-driver, so they will start your salary or perk according to cents, you know, they will pay you in 15 cents starting, 16 cents, 17 cents, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
like they will pay you in cents. As fast you will gain your experience and you become an independent. Hello. Sorry sir, phone disconnect ho gaya. Yeah, yeah, koi baat. So, जैसे जैसे आप स्टार्टिंग में उनके साथ काम शुरू करेंगे ना तो वो आपको 17, 18, 20, 22, 21, 22 सेंट्स पे करेंगे. जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे या आप थोड़ा गाड़ी चलाना सीख जाओगे, दे विल इंक्रीज योर सेंट्स. ठीक है ना, तो धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे. बट राइट नाउ अभी यहाँ पे बीसी में पहले मतलब 42 से लेके 48 सेंट्स तक मैक्सिमम था. अभी की आज अभी ईएलडी आने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक्स आने के बाद 52 सेंट से लेके 53, 54, 55 तक है. ओके. हाँ. और approximately as you says on your Facebook की 600 माइल से 600 माइल की गाड़ी चल सकती है इसमें, right? हाँ जी, आप मोटा मोटा अंदाजा लगा लीजिए 600-650 माइल एक in a single shift. But if you are two drivers on a single track, means if you are running on team, the team work. then it's double. बिकॉज ऑलमोस्ट एक घंटा के लिए गाड़ी रुकती है और 23 घंटे गाड़ी जो है चलती रहती है. मतलब आई मीन फ्रॉम फर्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर आई विल गेट $3,500 अप्रोक्सीमेटली. या एंड आफ्टर टू व्हेन आई विल जस्ट टेक माय ट्रक ऑन द, मतलब मैं वहां पे अगर कंपनी मुझे हायर करके अलग से भेज रही है, अलग से जा रहे हैं, तो अराउंड 50 सेंट्स के हिसाब से जो है वो जो $3,500 मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको मिलेगा. You can change that scenario in only 3-4 months. तीन से चार महीने में या दो से तीन महीने में आप अपना सिंगल खुद ट्रक चलाने लग जाओ, then you will earn 4,500. 4,500 हो जाता है. Yes. Okay. Actually, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मेरे my real brother is also in Canada right now. I asked him to just get some ideas about these things, but he was unable to find that kind of person. अरे आपका भाई हो या डैडी हो या मम्मी पापा कोई भी हो या चाचा ताऊ मामा फूफा कोई भी हो या कोई भी नहीं बता, कोई बताता नहीं है जी. लोगों के सगे भाई यहाँ पे हैं, वो मुझे फोन करते हैं कि मेरे को बताओ कि क्या करना है. हाँ जी, हाँ जी. एक लड़के का फोन आया जी, उसने बोला कि पाजी मैं स्टूडेंट वीजा पे आना है. मैं क्या, आ जाओ, बड़ी खुशी की बात है, आ जाओ, सारी आ रही दुनिया, आप भी आओ. कहते हैं मेरे भैया हैं, मैंने कहाँ पे हैं जी, वो दिल्ली से ही था लड़का, वो मेरे भैया हैं जी, वो वहाँ पे हैं टोरंटो में. मैं कहा हाँ तो क्या हो गया, उसी कॉलेज में आ जाओ, इकट्ठा रह लेना और अपना. वो बोल रहे हैं जी मत आओ, यहाँ पे तो कुछ नहीं रखा. मैं क्या ठीक है, मैं क्या आप ऐसा करो उनका नंबर मुझे दे दो. कहते ठीक है जी. तो उन्होंने अपने भाई का नंबर मुझे दे दिया, भाई का नंबर दे दिया. तो मैंने उसको उसका फ़ोन काटा. जब सारी बात ख़त्म करके उसके भाई को मैंने फ़ोन लगाया तो मैंने बोला जी फलाम बोल रहे हो. कहते हैं हाँ जी मैं, यही नाम है मेरा, आप कौन बोल रहे हो. मैं कह यार मैं बताता हूँ मैं कौन बोल रहा हूँ. मैं कह यार आप कब की फ़्लाइट है आपकी, कब जा रहे हो वापस. कहते नहीं जी मैं तो स्टूडेंट हूँ. मैं कह स्टूडेंट को वापस सुना है आप वापस जा रहे हो. कहते नहीं जी मैंने वापस क्यों जाना है. मैं कह यार यहाँ तो कुछ नहीं रखा, तो यहाँ क्या कर रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से. कहता नहीं जी यहाँ पे किसने बोला आपको यहाँ कुछ नहीं रखा. मैं कह यार तू अपने सगे भाई को बोल रहा है यहाँ कुछ नहीं रखा, तो फिर तू खुद चला जाना यार. फिर नहीं जी वो पाजी वो नहीं जी वैसे. मैं कह यार तू अपने सगे भाई को बोल रहा है कि यहाँ मत आओ, ठीक है, तो साथ में गाने की तू क्या मदद करेगा. सो पीपल आर डूइंग लाइक दिस. सो ऐसे जी जी. तो वहाँ पर हमारा जो वर्किंग कंडीशन होता है दैट इज 11 आवर्स टू 10 आवर्स हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते ना. नहीं ड्राइविंग, जैसे ड्राइविंग आके, जैसे अभी मैं यूएसए आया हूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने कनाडा से लॉग बुक शुरू किया, सो काउंटडाउन शुरू हो जाता है 14 आवर्स का, 14 घंटे का. 14 घंटे के अंदर आप 11 घंटे जो है वो ड्राइव कर सकते हो. इन दैट 11 आवर्स आपने 6 से 7.5 घंटे के बीच में आधा घंटा रुकना ही रुकना है, और फिर वो ब्रेक करना है, और ब्रेक के बाद अपना चाय पानी पियो, फ्रेश होके फिर आप देन यू कैन कंटिन्यू योर ड्राइविंग. या बट उस तरफ कनाडा में ज्यादा है, कनाडा में आप 13-14 घंटे तक ड्राइव कर सकते हैं. तो ये इंटर स्टेट या इंटर कंट्री पार करने के लिए अलग से कुछ परमिट होते होंगे? हाँ जी,
इंटर कंट्री पार करने के लिए दैट आई एम जस्ट गेटिंग अ बॉर्डर क्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम कनाडा टू यूएस तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट वो होते होंगे मतलब नहीं लेने पड़ते हैं ये जो अमेरिका कनाडा के जो बॉर्डर है ये बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान जैसे नहीं है यहाँ पे अभी आज मुश्किल से मेरे 10 सेकंड लगे होंगे ऑफिसर आस्क वन सिंगल क्वेश्चन एंड ही से ओके यू आर गुड टू गो वेलकम टू अमेरिका दैट्स इट ठीक है सो बट यू अनलेस यू आर ए पीआर और यू आर ए सिटीजन यू ऑलवेज नीड टू कैरी योर पासपोर्ट एंड योर पीआर कार्ड एंड यू मस्ट हैव अ यूएस वीजा सो जो कनाडा में जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उनके लिए यूएसए का वीजा कोई 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 परेशानी नहीं है मेरे पास मतलब मोस्टली का जो है वो 10 साल का मल्टीपल लगा देते हैं वो एक बार में उनको पता है कि दे आर ट्रकर्स एंड फिर वो आते जाते रहते हैं तो दैट नॉट अ इशू एक बार वंस यू आर ए वर्क परमिट होल्डर यूएस हाँ जी मेरे पास यूएस और कनाडा का दोनों का जो है आई मीन विजिट वीजा है मतलब आई मीन मेरे पास जो आई मीन ट्रैवल वीजा है दोनों का है फॉर 10 इयर्स तो आप यार रुक रुक के बता रहे हो कि मेरा भाई भी यहाँ पे है मेरे पास वीजा भी यहाँ पे है और पूछ रहे हो सारा ए से जेड तक ये क्या बात हुई नहीं मेरे को ऐसा मालूम है कि मेरे को उससे उससे कुछ कोरिलेटेड है अभी आपने बोला तो मुझे लगा शायद मैं तो राशि तो मेरे पास उसका कोरिलेशन है कि मेरे पास बात याद रखना मेरा जो है ना फोन है वो हमेशा रिकॉर्डिंग में रहता है और ये जो जितनी लंबी चौड़ी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना ये सारी सबके लिए है ये जो सारी रिकॉर्डिंग है मे बी इसका मैं वीडियो बना के डालूंगा ताकि सारे पॉइंट जितने आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो कोई दोबारा ना पूछे और सबके पॉइंट क्लियर हो जाएं या सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट लेट यू कम टू एनी इलीगल साइड सो बिकॉज इलीगल बात अगर कोई करता है तो मैं फोन काट देता हूँ इलीगल टॉपिक पे कोई बात नहीं करते हम है ना तो हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है हाँ जी हाँ जी आप अपना हैवी ड्यूटी लाइसेंस और अगर देखिए मेरी बात सुनिए आप पीएनपी या पीआर की वेट मत कीजिए इफ यू ऑलरेडी हैव मल्टीपल कैनेडियन वीजा देन यू नीड टू कम हियर एंड व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर लाइसेंस हियर आप सीधा आके अपना लाइसेंस की ट्राई कर लो ना इफ दे अलाउ यू फॉर क्लास वन लाइसेंस देन फिर तो सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी आपने वर्क परमिट अप्लाई एक एजेंट ढूंढ के वर्क परमिट लेना है सो कम हियर गेन योर लाइसेंस एंड अप्लाई फॉर वर्क परमिट दैट्स इट ओके बट अगर आप आ रहे हो तो यू मस्ट हैव अ हैवी ड्यूटी लाइसेंस प्लस यू नीड एक्सपीरियंस लेटर प्लस यू नीड पुलिस क्लियरेंस लेटर कि आपका वहाँ पे जो पीसीसी है वो okay. आपका होना आपके पास होना चाहिए एक लाइसेंस का जो जिसको एब्स्ट्रैक्ट लेटर बोलते हैं लाइसेंस का क्लियरेंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए डीटीओ ऑफिस से कि हाँ इस बंदे का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कोई इस पे ड्राइविंग का कोई केस नहीं चल रहा है कोई बंदा नहीं मरा दिस एंड दैट तो ये तीन चीजें आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू कम हियर एज इफ यू वांट टू ट्राई हियर एज अ ड्राइवर ड्राइविंग का एक्सपीरियंस तो मेरे पास प्राइवेट का है एलएमबी का या एचएमबी का तो नहीं है आईडी लाइसेंस का मेरे पास अभी नहीं है बिकॉज इंडिया में क्या है कि आपका एलएमबी बनेगा जब जैसे मैंने अप्लाई किया था एलएमबी बनने के लिए तो मेरा वो 10-15 दिन में बन के आएगा हाँ जी तो अगर आपने पीएनपी के लिए लगा देखिए अगर आपने पीएनपी के लिए लगा दिया अगर आपका पीएनपी का अप्रूवल आता है तो आ जाइए नहीं तो आप अपना हैवी ड्यूटी लाइसेंस बनाइए फिर उसके बाद आइए तो हैवी ड्यूटी लाइसेंस विल वर्क देयर आई मीन इंडियन हैवी ड्यूटी लाइसेंस हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक दो जगह है जहाँ पे हेल्प करता है मोस्टली स्टेट्स में नहीं करता सो जब आपका हैवी ड्यूटी लाइसेंस बन जाएगा देन यू लेट मी नो देन आई विल ट्राई टू गिव यू द डेस्टिनेशन कि आप वहाँ एक बार आके ट्राई कीजिए ओके आप मुझे आप नंबर फीड करेंगे या कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम पर डेफिनेटली आई विल कॉल यू मैं आपसे बंद करूंगा कोई टाइम में मैं जरूर इस बात के लिए कोई बात और डेफिनेटली वन थिंग विच इज रियली थैंकफुल फॉर मी दैट बाय द लक इट्स रियली बाय द लक दैट आई जस्ट फाउंड समवन हु इज रियली अ हेल्पिंग काइंड ऑफ नेचर एंड गिविंग अ वेरी वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द पर्सन दैट हु वांट टू मेक देयर करियर
देखिए मैं मेरा ऐसे है कि मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ तो मैं टाइम ना दूँ, और जब दूँ तो उसके मैं ए टू जेड सारे क्वेश्चन जो उसके दिल में है सारे जो मुझे पता है, क्योंकि मैं तो कोई इमिग्रेट कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, कोई एजेंट नहीं हूँ, लेकिन जो एज फॉर द बेस्ट नॉलेज दैट आई गेन माई सेल्फ हेयर, तो जो मुझे पता है यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन मैं एक बार में वन शॉट दे दूँ, ताकि उसके जो दिल में जितने क्वेश्चन हैं जो डाउट्स हैं वो वन शॉट सारे क्लियर हो जाए। और आपको मैं बता रहा हूँ कि इतना टाइम मैंने इसीलिए आपको दिया है कि बार बार इतनी लंबी बात नहीं होनी। तो स्टिल इफ यू हैव सम क्वेश्चन आई कैन आंसर राइट नाउ, बट यू कैन स्टे कनेक्टेड ऑन माई व्हाट्सएप, आई विल आंसर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट अनलेस यू आस्क सम जेन्युइन क्वेश्चन। इफ यू आर स्टिल आस्किंग कि वहाँ पे कितना कितनी सैलरी मिलती है दिस एंड दैट, देन आई एम नॉट गोइंग टू आंसर क्वेश्चन, बट कोई हाँ to make a mind that definitely that we look at the preparation part also, because we just have to settle our mind according to the salaries and all the things that we know, that as you saying ki itni kharcha hota hai ya itna hota hai, wo mindset karne ke liye thodi si requirement hoti hai ki aadmi samajh sake ki wo kya hai, health care something like that. देखिए दो दो बातें मैंने लास्ट में बोलनी है, और यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दोज टू थिंग्स, ठीक है जी? डेफिनेटली आई विल डू। एक्चुअली थ्री, एक तो सबसे पहले आप आईलेट्स कीजिए विद हाईएस्ट स्कोर, ठीक है जी? ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आप अपना हैवी ड्यूटी लाइसेंस बनाइए, ठीक है जी? और तीसरी चीज, आपने यहाँ आना है तो सारे कनेक्शन काट के आना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं वापस चला जाऊंगा, देन प्लीज डोंट कम, आने का कोई फायदा नहीं, राइट? ठीक है जी, आपको हाँ, यहाँ यहाँ कोई आप ऐसा बंदा ढूंढो जो मतलब मेरे से भी बढ़िया आपको सलाह दे, देन इट्स गुड। या नहीं दे सकता सर, मैंने ट्राई कर लिया पूरे फॉर्म के ऊपर, कर लिया ट्राई लग गया मेरा। हाँ मैं ट्राई कर चुका हूँ सर। अच्छा जी, ठीक है, ये आपका रिटन ट्रायल फॉर्मूला है, डेफिनेटली आई मीन नॉट मी, एंड जनरली सेंस की बहुत लोगों ने बहुत जगह ट्राई किया होगा, बहुत लोगों ने किया होगा, और उसके बाद कॉल एक जने को किया होगा, लेकिन भी मैं बताता हूँ कि जितने भी यूट्यूब पे जितने भी लोग यूट्यूब पे कनाडा के वीडियोस डालते हैं ना, बहुत कॉल्स आती हैं मेरे पास। मैंने सर उन बाद में बताते हैं, लास्ट में मैंने सर उनको भी कॉल किया था, उनको भी किया था, जैसे आप बता रहे थे ना कि यहाँ पे मेरा भाई भी है, मेरे पास मल्टीपल भी है, वो बाद में बताते हैं, तो बताते रहेंगे, सारा सुन लेंगे उसके बाद। नो इट्स फाइन फॉर मी, इट्स नथिंग न्यू फॉर मी, यू नो। सो हाँ, लेकिन ये है कि उन सबको हर जगह फ़ोन करने के बाद उनका जो दिल टिकता है ना, तो वो इधर ही बात करने के बाद पता लगता है कि यार असली कहानी क्या है, ठीक है ना? क्योंकि वो जो लोग हैं दे टेल यू दे विव द होल स्टोरी अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस माइंडसेट, ठीक है जी? उनको ये है कि बंदे को हमने कैसे फंसाना है, कैसे पैसे निकालने हैं। डू आई टॉक विद यू एनीथिंग रिगार्डिंग मनी? अगर आप एक बार बोलते कि सर आप काम करवा दो, तो मैं भी, मुझे लगता कि अब तक फोन बात भी नहीं हो रही होती। सो मेरे से बात करने के यही चक्कर है कि कोई पैसे का इशू नहीं होता, आई डू नॉट सजेस्ट एजेंट, ये दो चीज़ें जब नहीं करते ना, देन इट्स फाइन, सो सब ठीक ठाक चलता है। जब आप इन दो चीज़ों में इंडल्ज होते हो, देन यू ऑलवेज सब। आपका मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर, विच इज रियली मेक यू एंग्री, आई डोंट नो, आप इसमें थोड़ा गुस्से में किसी को ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मतलब यहाँ पर लोग ऐसा कर रहे हैं, मेरे को भी उस कैटेगरी में सोच रहे हैं, और समथिंग समथिंग दैट इज रियली बड़ा, मतलब देख करके वो वीडियो मुझे ऐसा लग रहा था कि डेफिनेटली दैट अ पर्सन हु इज जेन्युइन, और उसको किसी ने अगर बोल दिया कि ऐसा कर लो, तो बिकमिंग एज एंग्री इज अ सिंगल पार्ट ऑफ द लाइफ। वो कितना एंग्री कर रहा था वो वीडियो आपका, बट क्योंकि मतलब ये कोई आज का नहीं है, आई वर्क फॉर दिल्ली मेट्रो ऑल्सो, मैं दिल्ली मेट्रो में कहाँ महिपालपुर है, महिपालपुर से कापसेड़ा से मैं दिल्ली मेट्रो राजघाट सुभाष नगर तक आता था, और सुभाष नगर से पैदल मैं राजघाट आता था। आई वर्क इन फॉर दिल्ली मेट्रो फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, ठीक है? और सॉरी व्हाट्स योर एज राइट नाउ? आई एम 43 लिखा हुआ है 75 का बर्थ है मेरा। नहीं
मैंने बहुत कोशिश करी मुझे तो मिला नहीं. अच्छा नहीं, I'm 75 born. ओके हाँ फाइन दैट्स गुड. जी 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 तो वही है वृंदावन जी. बट आज नाम है थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ चीजों को. आपका कहना यह है पहले आइस करो, उसके बाद जो भी पीएमपी का एक हमारे को मिलता है, जो भी हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको अवेल किया जाए. साइमल्टेनियसली हम लोग अपना एक हैवी लाइसेंस ड्यूटी के लिए अप्लाई करें. बट पीएनपी हो या ना हो, पीएनपी का काम हो या ना हो, बट लाइसेंस जो है ना हर सूरत में हर बंदे को बना लेना चाहिए, हैवी ड्यूटी लाइसेंस. ठीक है ना रंधावा जी, यहाँ पर ना हम लोगों को जैसे प्राइवेट हम लोग गाड़ी चलाते थे, हम लोगों ने कभी कंसीडर किया नहीं बड़ी गाड़ी के लिए. हाँ जी. अब क्या है यहाँ पर थोड़े से रूल्स ऐसे हो चुके हैं कि पहले आप प्राइवेट गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद आपको कमर्शियल गाड़ी का लाइसेंस मिलता है. कमर्शियल गाड़ी के लाइसेंस मिलने के बाद एक साल के बाद व्हेन यू जस्ट ड्रोव योर वन कार वन ईयर और फोर व्हीलर एनी फोर व्हीलर जी 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 और ईयर, उसके बाद फिर वो आपको एक साल का टाइम पीरियड देते हैं कि उसके एक साल के बाद हैवी लाइसेंस बनेगा फ्रॉम दिल्ली. हाँ जी हाँ जी. ये सर दुबई और कनाडा को सारे ड्राइवर जो है ना वो सलूट करते हैं, नहीं तो ड्राइवर के पास बंदा खड़ा भी नहीं होता था. आज की डेट में एक शॉट दो दो लड़कियां देने को तैयार है जिनको पता लग जाए कि बंदा दुबई का लाइसेंस बना चुका है और कनाडा जाने वाला हो, उसके घर ही आ जाते हैं. हाँ जी छोटी लानी के वड्डी. सो कहने का मतलब ये है कि दे इज सम रेपुटेशन बिल्ड बाय UAE license and we are thankful to Canadian government कि उन्होंने मतलब drivers को इतना मान सम्मान दिया हुआ है कि मतलब इतना तो मतलब इंजीनियर मैं बता रहा हूँ ना कि MD डॉक्टर तक कॉल करते हैं कि पाजी हमने आना है और बताइए हम ड्राइवर कैसे आए, तो फिर आप समझ लीजिए कि जो ड्राइवर है तो यहाँ पे सबसे मौज मस्ती में और जिंदगी का सबसे जो मजा जिंदगी का सबसे ज्यादा लेते हैं वो ड्राइवर ही लेते हैं. बाकी सबकी जो एंडिंग है ना वो आके ट्रकिंग में ही होती है मोस्टली. मैं सबको नहीं कहूँगा कि सबका ही खत्म हो जाता काम, लेकिन मोस्टली बहुत हैं यहाँ पे. थोड़े दिन पहले एक नर्स है इंडिया से, वो कॉल कर रही थी. मेरे हस्बैंड है यहाँ पे, वो ये काम कर रहे हैं कहीं मिल में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं. सो ही इज ऑल्सो मीन्स वेल एजुकेटेड गाय यू नो, तो वो उसकी भी एंडिंग ट्रकिंग में ही होने वाली है थोड़े दिन में. So it's better to start with trucking. मैंने बताया ना कि मेरी खुद की कंपनी में 5-6 ट्रक खड़े हैं, डेढ़ डेढ़ पौने दो दो करोड़ का ट्रक है, ड्राइवर ढूंढने से नहीं मिल रहे. हर कंपनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली माई कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कंपनी इन ब्रिटिश कोलंबिया इन कैनेडा, हर कंपनी में ट्रक खड़े हैं और ड्राइवर नहीं है. बट ड्राइवर आने का देयर इज अ पर्टिकुलर सिस्टम दैट टेक्स ऑलमोस्ट वन ईयर. ठीक है, 6 months to 1 year का एक छः महीने से लेके एक साल की प्रोसेसिंग लग जाती है बंदे को यहाँ आने में. ठीक है ना. सो एक ड्राइवर जो एक कंपनी हायर करके बुलाती है उसको यहाँ आने में पूरी प्रोसेसिंग में 6 महीने से 1 साल लगता है, और देख लीजिए फिर कितना मुश्किल है. सो यही दिक्कत है. बिल्कुल. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. अदरवाइज यहाँ तो पंजाब में तो आपको पता है हर बंदा ही ड्राइवर है, तो सारे ही पंजाब यहाँ पे आ जाए. ठीक है ना. सो ऐसे नहीं है. हाँ देयर इज सम सिस्टम यू नो. सो नहीं तो जो लोग हैं हुक्स एंड कुक्स एनी हाउ, बस वो दे आर ट्राइंग टू मैनेज टू कम डाउन हियर. बट ये चीज़ों ने रोक के रखा है कि बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर जेन्युइन एक्सपीरियंस, जेन्युइन लाइसेंस, और यू नीड टन्स ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स, funds, this and that, then processing time and system is always slow. So in चीज़ों में time लगता है, 6 महीने से 8 महीने 7-8-10 महीने, मतलब 7-8 महीने average time हो लग जाता है एक बार जब आप file लगाते हो Canada की. बिल्कुल, इतना कम से कम उन्होंने भी हमारे को बोला कि कुछ हाँ. से लेकर के और ईयर और ईयर एंड हाफ के आसपास लग जाता है. अब इज इट नॉट कमिटेड कि आपसे 6 मंथ चाह तो 6 मंथ में आपको हम लोग दे रहे हैं या 5 मंथ में आपको दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता. ठीक है जी. और आपसे कंफर्मेशन लेना था इसके बारे में, एक छोटा सा क्वेश्चन है. आई मीन वेरी स्मॉल क्वेश्चन इज दैट कि हम लोग वहाँ पर जो ड्राइव करते हैं दैट इज डिसाइडेड कि हमें 26 डेज करना है या 30 डेज का भी होता है या ओवर टाइम भी होता है? नहीं, ऐसा कोई 20 डेज या 30 डेज का नहीं होता. फर्स्ट ऑफ ऑल नोबडी कैन कंपेल यू फॉर वर्क अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ. ओके. नोबडी कैन फोर्स यू फॉर वर्क अकॉर्डिंग टू लेबर लॉ. ठीक है जी.
बट हमारे ही जो एम्प्लॉयर्स हैं मोस्टली जो इंडियन एम्प्लॉयर्स हैं दे ट्राई टू फोर्स यू फॉर वर्क एंड दे डू ऑल सच शिट यू नो सो सब कुछ करते हैं वो ठीक है और बंदा पीआर होने के चक्कर में ही ऑलवेज ऑन म्यूट मोड ठीक है वो चुप रहता है कि चलो मेरी पीएनपी हो जाए चलो मेरी पीआर हो जाए पीआर हो जाएगी सो पीआर होने के चक्कर में सब कुछ रहता है ठीक है सो जब तक पीआर नहीं होता तब तक के लिए पीएनपी तक वंस यू गेट योर पीएनपी यू आर फ्री टू गो एनीवेयर यू आर यू कैन यू हैव नो नीड टू गेट अ एलएमआईए यू डू नॉट नीड एनी एलएमआईए देन ओके सो अगर आपने पीएनपी से पहले अगर आपने कंपनी चेंज कर ली देन यू नीड अ न्यू एलएमआईए न्यू वर्क परमिट एंड न्यू वर्क परमिट विल कॉस्ट यू 15-13 पता नहीं हाउ मेनी थाउजेंड डॉलर्स यू नो सो कोई भी बंदा जो है पीएनपी से पहले कंपनी चेंज नहीं करता लेकिन पीएनपी होने के बाद फिर कंपनी चेंज करना शुरू करते हैं उसकी फिर रिस्ट्रिक्शन जो खत्म हो जाती हैं एंड यू नीड जस्ट अ लेटर फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा दैट लेटर इज बीन कॉल्ड वर्क परमिट सपोर्ट लेटर सो वंस यू गेट योर वर्क परमिट सपोर्ट लेटर इट हार्डली टेक हाफ एन आवर ऑन द बॉर्डर टू चेंज योर वर्क परमिट फॉर अनदर कंपनी या आई जस्ट सॉ दिस थिंग अंदर मैंने बहुत सारे एजेंट्स का देखा वहाँ पर वो लोग पता नहीं कैसे कैसे कमिटमेंट कर रहे हैं आई फील लाइक कि क्या इतना उनके लिए सर मैंने खुद कंपनी चेंज की है मैंने खुद कंपनी चेंज की है इट टेक्स ओनली 15 मिनट्स 15 मिनट्स बिकॉज़ वी जस्ट गेट हियर राइट नो नो गेटिंग फॉर अनदर वर्क परमिट फॉर अनदर कंपनी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनी वंस यू गेट योर पीएनपी You need to apply for work permit support letter. Government will allow you for work permit support letter. You take that letter and go to US-Canada border and they will give you a new work permit. That's it. Okay. That's the basic reason. Okay, yeah. Fine. I got it. Actually, I think that once you get PNP and you just directly apply to the entrepreneur or maybe the operator. No, while you are working with someone and if you are not satisfied with the job or the behavior of the employer, then you need to found another company which is very easy to found. There is no problem because everybody want to hire you. Nobody want to fire you. Right. Because there is a shortage of drivers. Nobody want to fire you and everybody want to hire you. That's the problem. Okay. So thing is, you need to just look for an employer and he will give you a job offer letter. You take that job offer letter to Government Canada, Service Canada, PNP office and they will give you a work permit support letter. With that work permit support letter, you will need to go to Canada USA visa and you can, same time you can change your work permit for the new employer. I got it. But only after PNP. If you are, Okay. And what is the difference between, how you differentiate with, really sorry, I'm asking so many questions to you, but this question will make my mind clear, it's clear. What is the difference between a trucking and a Uber driver? Uber driver? I never meet any, and right. Not even a single Uber driver in Canada until today. Okay. And this is not Australia, you cannot drive taxi here. Unless you are a permanent resident or a citizen. Okay. So Australia में क्या होता है कि student जाके taxi चलाते हैं यहाँ पे मैंने 5 साल में अभी एक भी student नहीं देखा जो taxi चलाता है because they do not allow you taxi driving सिर्फ जो permanent resident है वो कर सकते हैं या citizen कर सकते हैं और PR लेने के बाद अगर हम लोग दोनों job करते हैं तो उसमें से हम दोनों job में differentiate कैसा है if we have a PR तो Uber that depends That depends कि आप comfortable किस में हो ठीक है ना तो कहीं ऐसे हैं जो टैक्सी ट्रक छोड़ के टैक्सी चलाने लग जाते हैं तो उनको ये होता है कि हम रोज शाम को घर चले जाएं सुबह घर से आएं तो उनको वो वैसे अच्छा लगता है जिनको लगता है कि नहीं यार 4-5 दिन के बाद घर आएंगे ठीक है बढ़िया है नहीं तो रोज डेली वाइफ से लड़ाई होती है 5-6 दिन के बाद मुंह देखेगी तो चलो आराम से टाइम कट जाएगा तो फिर वो ट्रक में निकल जाते हैं हाँ क्योंकि अपनी अपनी इच्छा है जी पीआर के बाद आपकी इच्छा है
आप चाहे टांगे चोरी करके सोए रहो चाहे काम करो। अर्निंग नहीं, फिर कार की उतनी अर्निंग नहीं होती है जितनी ट्रक की होती है, लेकिन ट्रक में आप 20-25 दिन महीने में घर से बाहर भी तो रहते हो। हाँ, ये एक ड्रॉबैक है उसका। हाँ जी, क्योंकि आज मैं जैसे यूएसए आया हूँ तो मेरे को वापसी घर वापस जाते जाते 6 दिन हो जाएंगे, 6 दिन का खाना पीना सब कुछ साथ में लेके आया हूँ। ठीक है, तो गाड़ी है, गाड़ी में बेड है, बीच में फ्रिज है, कूलर है, एसी है, हीटर है, तो पूरा घर ही है। एक टॉयलेट नहीं है, और टॉयलेट के गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका ने जगह जगह बना रखे हैं रेस्ट एरिया, तो सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इज वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। Thank you, Nandava ji. Thank you so much for your valuable time and really a valuable suggestions to me. Mm-hmm. And I am so much thankful to you that you just provide your that much time to me. Definitely, मेरा वहाँ पे चक्कर लगेगा and I will just meet you once. आऊँगा मैं आपसे, मतलब हमें work करने से पहले, अपनी पूरे settlement करने से पहले भी I will take a round here. और एक बार आपसे आके मिलूँगा जरूर वहाँ पे, if you are not traveling anywhere. जी जी, sure. ठीक है जी. Okay जी, all the best. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Okay, sir. Bye-bye. Yeah. Okay, thank you. Bye.